माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें मैथ एंड रीजनिंग के हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। ये आज की वीडियो में हमारा 6 प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इससे पहले हम 5 कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। आपके हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका हरियाणा SSC का है या फिर SSC का है, सभी के लिए प्रैक्टिस सेट आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, मंथली इनकम दे रखी है आपकी, दो आदमी हैं, उनको हम मान लेते हैं ए और बी है। ठीक है, उन दोनों की जो इनकम है वो कितनी है, रुपये 7500 रुपये है। उसके बाद क्या बोला है, वो अपनी आय का 90% और 80% क्या करते हैं, खर्च करते हैं। ए 90% करता है, बी अपना 80% करता है, और जो उनकी सेविंग है वो कितनी है, 3:4 है। तो उनकी आय बताइए क्या है। जो भी आपको गिवन है वो आप निकाल लीजिए। ठीक है, आपको गिवन है सेविंग कितनी है, इनकी रेशो 3:4। ठीक है, हमें सेविंग पता है और उनकी टोटल इनकम पता है। ठीक है, ये टोटल इनकम है उन दोनों की। यदि हमें इनकम का रेशो पता लग जाए तो उससे हम हर एक की क्या निकाल सकते हैं, इनकम निकाल सकते हैं। अब आप देखिए, उनका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च दिया हुआ है 90% और 80%। अब आप एक बात बताइए, दोनों की 100% है, यदि कोई 90% खर्च करे तो बचेगा कितना, 10%। ठीक है, 100% इनकम होती है, यदि कोई 80% खर्च करे तो बचेगा कितना, 20%। ठीक है, तो दोनों की जो सेविंग है कितनी है, वो ए अगर 90% खर्च कर दे तो बचाएगा कितना, 10%। बी यदि 80% खर्च कर दे तो बचाएगा कितना, 80% खर्च कर दे तो बचाएगा कितना, 20% ये बचाएगा। ठीक है, इतना आपको सिर्फ ध्यान रखना है, जो आपको रेशो गिवन है वही रेशो आपको निकालनी है। ठीक है, अब आप देखिए 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, और 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। परसेंटेज हमने हटाया तो परसेंटेज हटा के नीचे 100, तो इस तरह से हम इसको 1/5 लिख सकते हैं। अब ये फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये आपकी इनकम है नीचे वाली, और ऊपर वाली आपकी क्या है, सेविंग है। ऊपर वाली क्या है, सेविंग है। अब आप एक बात बताइए, ए की इनकम यदि 10 है तो कितनी सेव करता है, वो 1। यदि बी की इनकम 5 है तो कितनी सेविंग करता है, 1। लेकिन दोनों की गिवन कितनी है, 3 और 4, तो इन दोनों को 3 और 4 बना लो। ठीक है, तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना, इसको 3 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3/30। अब ये बी की है तो बी की सेविंग कितनी है, 4, तो इसको 4 बनाओ 4 से गुना करके, इसको 4 से गुना किया है तो ये भी 4 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन हमारी सेम रहेगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4/20। अब आप देखिए, यदि इसको मैं काटूं तो 5 से कटेगा, तो फ्रैक्शन 1/5 ही रहेगी, यदि ऊपर नीचे हम सेम नंबर से गुना करें। तो अब आप देखिए, ए की सेविंग 3 है तो यहाँ भी 3 है, बी की सेविंग 4 थी तो बी की सेविंग यहाँ भी 4 है, तो हमें क्या पता लग गया, ये ए की इनकम है और ये बी की इनकम है, और वो कितनी कितनी है, 30 और 20। तो हमें पता लग गई इनकम, यही हमें चाहिए था। ठीक है, ए की इनकम 30 है, बी की इनकम 50, तो दोनों की इनकम मिला के कितना आ गया, 30 + 20 = 50। ठीक है, ए की 30 है, बी की 20 है, तो 30 और 20 = 50, लेकिन गिवन कितना है, 7500। इसको 7500 कैसे बनाएंगे, 150 से गुना करके, तो ये हमारा बन गया 7500। इसको 150 से गुना किया तो ये भी 150, ये भी 150, दोनों को 150 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4500, ये कितना आ जाएगा, 3000, और यही हमें निकालना था ए और बी की इनकम। यदि आप इस मेथड से करेंगे तो आपका बेस्ट मेथड है, जो भी आपको गिवन है सिर्फ उसकी अनुपात आप निकाल लो, तो उसके बाद आप क्या करो, जिस नंबर को आपने इससे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके करवा चुका हूँ, जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है वहाँ पर मैं कंसेप्ट आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इफ ए माइनस बी की वैल्यू यदि 1 है तो आपको बताना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस
3ab की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इस मेथड को आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं। मैं दोनों आपको बताऊंगा। वैल्यू पुट से कैसे करेंगे, आप देखेंगे एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं, तो आप किसी एक वेरिएबल को जीरो पुट कर सकते हो, ठीक है। ए को पुट करो या बी को, बी को जीरो पुट किया तो यहाँ पर ए माइनस जीरो इज इक्वल टू वन, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, एक। जब एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं तो आप एक को जीरो पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ए की वैल्यू एक आ गई, बी की वन, तो यहाँ पर पुट कर दो जिसकी पूछी है। तो ये ए का क्यूब, बी जीरो था आपका, ये जीरो था बी, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये क्या आ जाएगा आपका, एक का क्यूब क्या होता है आपका, एक ही होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, सबसे सिंपल मेथड है आपका ये। या फिर एक तरीका, अब आप देखेंगे ये क्या है, मेरा फॉर्मूला जैसा यदि आपको दिखाई देगा तो इसको मैं यदि a माइनस बी, ठीक है, अब आप देखेंगे a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू मेरी वन है यहाँ पर। यदि मैं यहाँ पर, आप देखेंगे वन हमेशा फैक्टर मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं, यदि यहाँ पर वन की वैल्यू मैं ए माइनस बी रख दूँ तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी क्यूब का, और ए माइनस बी की वैल्यू आपको वन गिवन है, तो वन का क्यूब क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा, ठीक है। इसको फॉर्मूला बना लो या फिर वैल्यू पुट से कर लो, जो भी आपको आसान लगे आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट मेथड होता है आपका वैल्यू पुटिंग का, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपका चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, उसके चारों भुजाओं को एक सर्कल टच करता है, ठीक है। ये सर्कल है जो चारों भुजाओं को टच करता है, आपका क्वाड्रिलेटरल दिया है ए बी सी डी, ठीक है, ये आपका गिवन है। और आपकी वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू 6 है, बी सी की वैल्यू 7.5 है और सी डी की वैल्यू आपकी 3 है, तो आपको बताना है ए डी की वैल्यू क्या होगी, ए डी की वैल्यू क्या होगी। जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर सर्कल बना हुआ है और वो चारों भुजाओं को टच करेगा, तो आपका फॉर्मूला हमेशा यूज होगा, आमने सामने की भुजाओं का योग हमेशा बराबर होता है, ठीक है। ये और ये सामने क्या है, ए बी प्लस सी डी, ठीक है, आमने सामने की भुजाओं का योग और आमने सामने की भुजाओं का योग, तो बी सी प्लस ए डी ये हमेशा इक्वल होगा आपका, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आप कुछ नहीं करना, जो वैल्यू आपका गिवन है वो यहाँ पर रख दो, बी सी 7.5 और ए डी हमने मान लिया x, क्योंकि हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 9 7.5 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1.5, ठीक है। और डायरेक्ट कैसे करेंगे आप, ये 6 + 3 9 है, ठीक है, तो इसमें क्या ऐड करें कि ये 9 बन जाए, इसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 1.5। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन, यदि आपको नहीं पता तो इस तरह से, यदि आपको पता है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर करेंगे 6 + 3 9, तो इसको 9 बनाने के लिए इसको 1.5 होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो वीडियो, अगर आपको आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को। नेक्स्ट है ट्रिग्नों का है, ट्रिगो का क्वेश्चन है, 8 sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा माइनस 12 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, इस तरह की आपकी इक्वेशन है, इसकी आपको वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो कई बच्चे तो जिसको नहीं पता होगा इसको देखते ही छोड़ देंगे, सर ये क्या भला है, हमसे नहीं होगा। लेकिन आपने देखा होगा जब मैंने आपके ट्रिग्नो के क्वेश्चन करवाए थे, जब कभी भी आपको इक्वेशन गिवन है और वो पूरी की पूरी इक्वेशन साइन और कोस में है, पूरी की पूरी इक्वेशन साइन और कोस में है, तो आपको कुछ नहीं करना, थीटा की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जीरो पुट करनी है, ठीक है। यदि आप पुट थीटा जीरो करेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 8 sin 0 की वैल्यू आपकी जीरो होती है और cos 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है, ठीक है। cos 0 1 और 1 की पावर 6 कुछ भी हो 1 ही रहेगा, ठीक है। माइनस 12 सेम यहाँ पर, sin 0 0 और cos 0 आपका 1।
आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ थीटा की वैल्यू 0 पुट करनी है। ये आपका 1 हो जाएगा 8 और ये आपका 12, और आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 - 12 - 4 आंसर। सिर्फ वैल्यू आपको पुट करनी है, यदि सारी की सारी इक्वेशन आपकी साइन और कोस में है तो थीटा आपकी 0 पुट करनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट का। तो प्रैक्टिस सेट का आपका यही बेनिफिट है आपका, आपको हर एक क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11% की ब्याज की दर से 6 वर्षों में, 11% वार्षिक दर की ब्याज से 6 वर्षों में ₹747 का मूल धन राशि क्या होगी, ठीक है। आपको मूल धन राशि बतानी है, यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा इतने अमाउंट के लिए इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6 इयर्स के लिए, ठीक है। तो अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट, यदि आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है कि वो सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आपको सिंपल लेकर चलना है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको एक बात पता होगी, यदि एक साल के लिए 11% है तो सभी साल के लिए सेम रहता है, तो कितने साल हैं आपके टोटल 6 साल हैं, तो एक साल के लिए 11%, तो 6 साल का कितना ब्याज हो जाएगा 11 6 66%, कितना परसेंट 66% हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज आपका सिंपली ऐड होता है, ठीक है। अब हम 66% को क्या लिख सकते हैं, 66/100, इसका मतलब क्या है, ₹100 पर आपका कितना ब्याज लग रहा है 66 रुपये का, ठीक है। 66/100 जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 1/5 जो हमने सेविंग वाला किया था, यानी कि ये क्या थी आपकी इनकम और ये क्या थी सेविंग। यदि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है आपका और नीचे आपकी क्या होती है आपकी प्रिंसिपल, ठीक है। यानी कि ₹100 पर ₹66 ब्याज लग रहा है, तो कितना अमाउंट हो जाएगा ₹100 पर 66, तो कितना 166 रुपये, ठीक है। ₹100 पर 66 रुपये ब्याज लगकर कितना हो गया 166। सिंपल, आपने 6 साल का निकाल लिया, 11 6 66, तो 66/100, तो 6 साल में 100 का कितना हो गया 166। लेकिन आपको गिवन कितना है, ए आपको कितना गिवन है 747 रुपये, तो 166 को 747 बनाना है, तो कैसे बनेगा, ये आपका अप्रोक्सीमेट 4.5 से आपको गुना करना पड़ेगा, तब मेरा ये बनेगा, ठीक है। जो आपको गिवन है वही तो बनाना है अब आपको, तो ये 4.5 से गुना किया है तो इसको भी 4.5 से गुना करो, तो ये कितना आ जाएगा 450 रुपये, ठीक है। वेरी सिंपल, और आपका देख सकते हैं कितना शॉर्टेस्ट मेथड है आपका ये इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने का, ठीक है। 166 को 747 बनाना है क्योंकि अमाउंट हमारा गिवन है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट ये आया था, तो 4.5 से गुना करेंगे तो ये बनेगा, तो इसको भी 4.5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे आपके मैथ के क्वेश्चन, अब हम करते हैं रीजनिंग के, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में हम हर एक क्वेश्चन करेंगे, हर एक टॉपिक से बेस्ट सॉल्यूशन। अगर आपको समझ में नहीं आया कोई भी क्वेश्चन तो आप 1 से 2 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रीजनिंग, आपका क्या गिवन है, BYE को हम DAG एनालॉजी का है आपका अल्फाबेट, और GDJ, तो यहाँ पर आपका क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जब भी आपके लेटर के आए तो सबसे पहले उनके कोरस्पोंडिंग नंबर लिखिए, यानी कि B का क्या होता है 2, Y 25, E 5, D 4, A 1, G 7, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा नंबर लिखते ही क्या कर रखा है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 का 4 लिखा है, यानी कि प्लस 2 किया है, 25 का 1 लिखा है, 25 के बाद 26, 26 के बाद आपका दोबारा 1 आता है, यानी कि इसमें भी 2 ऐड किया है, और 5 को क्या किया है 7 लिखा है, यानी कि इसमें भी 2 ऐड किया है, तो हर एक नंबर में +2 + 2 और +2 किया है, तो 7 2 9 6 और 12, और 9 आपका क्या होता है I, 6 आपका क्या होता है F, और 12 आपका क्या होता है L, तो यहाँ पर क्या आएगा IFL, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट आपको टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो टिप्स पे आपके होने चाहिए। नेक्स्ट मिसिंग नंबर है आपका एक क्वेश्चन, ये है 18, 16, 20 है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा। ये है आपका 18, 22 और यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है आपके 20, 21, 23 और 25, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है क्या होगा। अब आप देखिए यहाँ पर आपका 18 लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब आप देखो कि 16 + 20 आपका कितना होता है 36। तो यहाँ पर आपको देखेंगे ऐड करते ही मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर क्या लिख दिया आप, 18 लिख दिया, और जो आपका 36 का क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। कि यहाँ पर एक बार देखें अप्लाई करके कि हमारा ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। 18 + 22 करेंगे तो कितना आएगा 40, और 40 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 20, तो हमें ऑप्शन में मिल गया 20, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 20, ठीक है। नीचे वाले नंबर हैं उनको ऐड करके हाफ से क्या कर दिया, डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लैंग्वेज वेन डायग्राम बनाना है आपको, लैंग्वेज फ्रेंच और जर्मन, इसका वेन डायग्राम क्या होगा, इसका क्या बनाना आपको वेन डायग्राम बनाना है कि क्या होगा आरेख चित्र कैसे बनेगा। आप देखिए सोचिए लैंग्वेज और जर्मन फ्रेंच में क्या रिलेशन होता है। तो अब आप देखेंगे ये आपके ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि आपका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो अब आप देखिए दोनों की दोनों आपकी क्या है, फ्रेंच और जर्मन दोनों दोनों लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज का ही पार्ट है। तो यानी कि दोनों के दोनों क्या आएंगे, लैंग्वेज के अंदर आएंगे। तो यानी कि कॉमन वाला डायग्राम तो आपको गया, अंदर वाले आपके बचा ये और ये, ठीक है। अब आप देखिए लैंग्वेज यदि इसको माने तो लैंग्वेज है दोनों के दोनों, लेकिन फ्रेंच और जर्मन में आपका कोई रिलेशन नहीं होता। फ्रेंच आपकी अलग होती है, जर्मन आपकी अलग होती है। तो दोनों की दोनों लैंग्वेज हैं लेकिन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो लैंग्वेज है दोनों, ये फ्रेंच और ये आपकी जर्मन, लेकिन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो दोनों की दोनों दूर दूर आएंगे। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इस तरह से आपको बनाना है अपना वेन डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 8, 7, 9 आपका 8 है, 6, 2, 5 आपका 1 है, और 5, 8, 6 यदि 9 है तो आपको बताना है 7, 8, 5 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब आप देखिए इसमें आपको क्या करना है, इन तरह के क्वेश्चन में आपको ऐड करके देखना है, 8 और 7 = 15 और 9 = 24 तो आपका हो नहीं सकता, यानी कि ऐड तो किया नहीं है, यानी कि इन तीनों से एक छोटा नंबर बना है, यानी कि कुछ ना कुछ घटाया होगा नंबर। तो अब हम देखते हैं 8 हम कैसे बना सकते हैं। अब आप देखिए पहला और तीसरा नंबर 9 - 8 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और बीच वाला नंबर ऐड कर दिया, ठीक है, 7, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8। तो इसी रिलेशन को चेक करते हैं, तीसरे में से पहला घटाया है 5 - 6 और बीच वाला ऐड किया है, तो -1 + 2 आपका कितना हो गया, 1 हो गया। इसमें देखते हैं 6 में से 5 माइनस किया है और बीच वाला नंबर ऐड किया है, तो 6 - 1 = 5 और 6 - 5 = 1 और 8 आपका कितना हो जाएगा, 9। तो यही आपका जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या 5 में से 7 माइनस करेंगे, तीसरे में से पहला नंबर माइनस किया, बीच वाला ऐड करेंगे, तो -2 + 8 कितना हो जाएगा आपका, ये 6। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6। तो आपको पैटर्न ढूंढना होता है, जो भी आपको दिया है वही पैटर्न आपको जो क्वेश्चन पूछा है उस पर अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी जल्दी आपको पैटर्न आसानी से पता लगेगा। आप देखेंगे छोटा नंबर है तो मल्टीप्लाई करके तो आएगा नहीं, यानी कि पहला दूसरा या दूसरे तीसरे में से कुछ ना कुछ माइनस करके इस तरह से कुछ किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 सी 3 ए 12 ई 4 डी 2, इसकी वैल्यू बतानी है। यदि C का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, A का मतलब माइनस है, और E का मतलब आपका प्लस है, और D का मतलब आपका है डिवाइड। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बोर्ड मास, हमेशा क्या यूज़ करते हैं, बोर्ड मास का इस ऑर्डर में चलते हैं, यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या है, डिवाइड है, इसको लिख लेते हैं, सी को हटाकर जो भी आपको साइन दिए हैं तो आपको जल्दी से जल्दी वो लिखने हैं। सबसे पहले डिवाइड करना है, बाकी आपको सेम लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 2 2, ठीक है। अब डिवाइड के बाद किसका नंबर आएगा, मल्टीप्लाई का। तो 14 42 माइनस 12 प्लस 2। अब दोनों में से ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई भी आप पहले कर सकते हैं। तो 42 माइनस 12 आपका 30 और 30 प्लस 2 आपका 32। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं तो पहले ऐड करूँगा, तो पहले ऐड कर लो, तो 2 और ये कितना हो जाएगा आपका, 2 में से माइनस 12 करेंगे तो आपका क्या आएगा, माइनस 10, और ये कितना आ जाएगा आपका, 32, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 32। तो ये था आज की वीडियो में आपका प्रैक्टिस सेट मैथ प्लस रीजनिंग का। यदि आप भी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं डेली, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। कई बच्चे बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं, उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।